हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको दिवाली मुबारक कहना चाहूंगी। दिवाली आ गई है और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। आप सबकी जो दिवाली है बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। तो आज दिवाली को देखते हुए मैं बहुत ही अच्छी मिठाई बनाने जा रही हूँ। मिठाई ऐसी है जो आपके बहुत काम आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की जरूरत है और दो इंग्रेडिएंट से आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मिठाई बना सकते हैं। तो इस मिठाई को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं बर्बन बिस्किट लिए हैं, बिल्कुल अलग फ्लेवर के साथ ये मिठाई बनेगी। इसे मैं एक ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी बिस्किट्स को। बिस्किट की मिठाई आपने पहले भी खाई होगी, लेकिन ये मिठाई जो है बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बाउल में डालेंगे, खुले बर्तन में डालेंगे। तो पाउडर को मैंने बर्तन में डाल लिया। आप देख लें कि अगर पाउडर के अंदर कुछ हल्का फुल्का बिस्किट का क्रंच रह जाता है तो आप हाथ से भी उसे हल्का सा इस तरह से मैश कर सकते हैं। वैसे मैं इसको दो इंग्रेडिएंट से सिर्फ बनाऊंगी, लेकिन दो चीज़ें मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आपके पास हैं तो डालें, अगर नहीं हैं तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं फ्लेवर के लिए सिर्फ डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये इंग्रेडिएंट लिया है, ये सौंफ है, मिक्स सौंफ है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं ये स्पर्श के सौंफ यूज़ कर रही हूँ। मिक्सचर होता है ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। शायद आपने पहले कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई होगी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। ये मैं थोड़ा सा डाली हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के अंदर मैंने बादाम और काजू लिया, इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसमें मैं चीनी नहीं डाली, दूध नहीं डाली, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ, जिससे मीठा भी ठीक हो जाएगा और फ्लेवर जो है वो टेस्ट यानी इसके अंदर बिल्कुल खोए जैसा आएगा। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, कंडेंस्ड मिल्क की वीडियो मैंने पहले दी हुई है, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, कई बार घर में नहीं होता या नहीं बाजार से लाते, तो आप इसकी जगह हल्की सी शुगर और थोड़ा सा दूध ये डाल के इसे बनाने लायक बना लेते हैं। यानी हमने इसके लड्डू तैयार करने हैं, मिठाई तैयार करनी है, तो आप थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि फ्लेवर जो है खोए वाला आता है। इतना डालना है जिससे बाइंड होना शुरू हो जाए। ये मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। हल्का सा हम हाथ पे लगाएंगे घी, यानी घी से हाथ को ग्रीस कर लेंगे और इसके बनाएंगे लड्डू। आप देख सकते हैं कितना शाइनी और कितना अच्छा ये लड्डू बनके तैयार हुआ है बिना गैस जलाए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इसे नारियल के बुरादे के अंदर भी लपेट सकते हैं। अगर आप ऐसे खाना चाहें तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा के ऐसे भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सफेद तिल पड़े हैं, सफेद तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, तो उसके ऊपर मैं हल्का हल्का इसको इस तरह से लपेटूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये मिठाई बन के तैयार हुई है। इसी तरह से दूसरे भी पॉइंट कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई है। देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। सिर्फ 2 मिनट लगे मेरे को को बनाते हुए। आप 2 मिनट में ये तैयार कर सकते हैं। आप ज्यादा क्वांटिटी में करना चाहें तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। आप इसी को तैयार करके दिवाली पे घर आए गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, किसी को डिब्बे में पैक करके भी दे सकते हैं। बहुत टेस्टी मिठाई है ये, आप इसे ट्राई दिवाली पे जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।